आज का ये टॉपिक कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। स्थिर विनियोग दर, लचीली वितरती हुई विनियोग दर, लागत जन्य मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और राजकोषीय असंतुलन, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्थिर विनियोग दर, विनियोग के साथ साथ हमें पहले स्थिर विनिमय दर समझना होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये कौन सी विनिमय दर है। अगर हम एक वस्तु की विनिमय दर दूसरी वस्तु में ज्ञात करते हैं तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली की बात होती है। किंतु अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा की विनिमय दर महत्वपूर्ण होती है। एक देश की मुद्रा की विनिमय दर दूसरे देश की मुद्रा में निर्धारित करना यह विनिमय दर कहलाती है। उदाहरण के लिए $1 की कीमत, $1 की विनिमय दर भारतीय रुपए में यदि 60 रुपए के बराबर है तो $1 बराबर 60 रुपए विनिमय दर होगी। यहाँ स्थिर विनिमय दर से तात्पर्य है कि एक देश की मुद्रा की विनिमय दर दूसरे देशों की मुद्राओं से निर्धारित कर दी जाती है। IMF की स्थापना के समय से लेकर 1971 तक ऐसा ही किया गया था, लेकिन उसमें भुगतान खाते में लगातार आधारभूत असंतुलन की दशा में परिवर्तन की इजाज़त दे दी जाती थी। इससे पूर्व स्वर्ण मान के अंतर्गत भी स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था थी, किंतु वर्तमान में स्थिर विनिमय दर की कोई व्यवस्था नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दशाओं पर निर्भर करती है। लचीली या तैरती हुई विनिमय दर, इसका अर्थ है कि बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर तय होने वाली विनिमय दर लचीली विनिमय दर होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, पूर्णतया लचीली विनिमय दर जिसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, और दूसरी होती है प्रबंधित लचीली दर, मैनेज्ड या फ्लोटिंग फ्लैक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसमें सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती है। यह विश्व के अधिकांश देशों में अपनाई गई है। भारत में वर्तमान में प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली प्रचलित है। अब हम मुद्रास्फीति पर विचार करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि स्फीति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। लागत जन्य मुद्रास्फीति, इस पर उत्पादन लागत के बढ़ने का प्रभाव होता है, जैसे कच्चे माल, पावर, ब्याज, मजदूरी, ये सारी लागतों के बढ़ने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। स्वाभाविक है कि इसको ठीक करने के लिए कार्यकुशलता व उत्पादकता दोनों को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि प्रति इकाई लागत घटाई जा सके। तभी यह संभव होगा कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होने से जब कीमतें कम होंगी तभी हमारी वस्तु की मांग में वृद्धि संभव हो सकेगी।
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जब मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति होती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि होती है, अधिक मुद्रा कम माल का पीछा करती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मांग प्रबंधन ज़्यादा जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राजकोषीय असंतुलन भी एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। जब सरकार के राजस्व खाते में व्यय की राशि आय की राशि से अधिक हो तो राजस्व घाटा होता है और सरकार को इसकी पूर्ति भी कर्ज लेकर करनी होती है। इसको राजकोषीय असंतुलन की स्थिति कहते हैं, क्योंकि सरकार अपने चालू व्यय के लिए कर्ज लेने को बाध्य होती है। यदि यह घाटा लगातार चलता रहता है तो यह राजकोषीय संकट का रूप धारण कर लेता है। भारत में वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों ही राजस्व घाटे की समस्या से ग्रस्त हैं।